नमस्कार दोस्तों, आइए निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए 18 अप्रैल के लिए कि बैंक निफ्टी निफ्टी में कहां पर किस तरीके से मूव हो सकता है और कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होंगे जहां पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट में क्या कंडीशंस बनेंगी ट्रेड को इनिशिएट करने की। तो सबसे पहले मैं पिछली एनालिसिस पर जाऊंगा। पिछली एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको यहां पर क्लियरली बताया था कि बैंक निफ्टी में ये जो लगातार सॉरी निफ्टी में ये जो लगातार जो ये जो लेवल बन रहे हैं सपोर्ट के, इसमें से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट में निकल सकता है और आपने ये चीज एड्रेस भी की कि मार्केट सपोर्ट पे निकल सकता है और ये चीज आपकी बैंक निफ्टी में भी क्लियरली बताई गई है और ये सपोर्ट भी आपको क्लियर दिए गए थे कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जाके जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनेगा। थोड़ा सा पहले आज डे टाइम फ्रेम को समझेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पहले डे टाइम फ्रेम को समझेंगे कि डे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले आते हैं डे टाइम फ्रेम में। निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि निफ्टी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर अपना सपोर्ट लेके बैठी हुई है। अगर इस चीज को आप पीछे भी अगर आप जाके देखोगे कि ये सपोर्ट कहां से आ रहा है, ये सपोर्ट जो आ रहा है जब मार्केट यहां से निकला था 15 नवंबर के आसपास की बात है, उसके बाद फिर मार्केट नियर अबाउट 15 जनवरी के आसपास यहां पर था, फिर मार्केट यहां पर मार्च में था और फिर मार्केट यहां पर अप्रैल में आके यहां पर सपोर्ट ले रहा है। यहां पर आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर आप चाहें तो यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर आप खींच के जा सकते हैं। पहली बात तो यहां पे लगाइए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका 50 का सपोर्ट हो गया और ये आपका हो गया मोटा मोटा बीच का सपोर्ट। तो ये एक तरीके से आपके पास एक जोन निकलता है। तो सबसे पहले निफ्टी में ही ये चीज देखेंगे, ये आपके पास एक जोन निकलता है जहां पे मार्केट का ये डिलेमा जोन हो सकता है, जहां पर मैंने आपको बोला है कि ये एक तरीके से आपका डी जोन का काम करेगा। डी जोन मतलब डेंस जोन। डेंस जोन मतलब क्या कि मार्केट जहां पर ऐसी अवस्था में रहेगा, नीचे जाए या ऊपर जाए, वहां पे मार्केट को डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब आएंगे यहीं पर एक घंटे के चार्ट पे। एक घंटे के चार्ट पे आप मोटा मोटा देखेंगे कि आरएसआई जो है वो यहां पर एक पॉजिटिव जोन में आने की कोशिश कर रही, क्योंकि आरएसआई का यहां पे क्रॉसओवर हो चुका है। तो यहां पर एक पॉजिटिव संकेत ये है, पहली बात यहां पर एक आपका पॉजिटिव संकेत ये है। दूसरी बात, अब एक घंटे के चार्ट पे अगर हम मोटा मोटा देखें तो एक घंटे के चार्ट पे हमारे पास क्या जोन बन रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है नीचे आने का। तो नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है मार्केट में नीचे आने का, आप इसको पकड़ के चलिए एक घंटे के चार्ट पे, इसको पकड़ के चलिए कि नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है, इसको हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके एक्सेस करेंगे। ये हो गया एक घंटे का चार्ट, लेवल 15 मिनट पर ही निकलेगा। अब आइए आपके सामने मोटे मोटे लेवल आ गए 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे अब आते हैं क्या लेवल प्ले आउट हो सकता है कल। अब ये आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्लियर फेज मार्केट का निकल आ गया कि आपकी 20 हो गई डे, ये आपकी 20 की डे हो गई, ये आपकी 50 की डे हो गई। तो ये आपका एक रेंज बन गया 22,22,77 का एक रेंज ये बन गया और 22,105 ये बन गया। ये दो रेंज आपके पास मार्केट में निकल के आ गई, नियर अबाउट 100-150 पॉइंट की ये रेंज आपके पास निकली। तो कल जो ट्रेड बनेगा, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है तो कल जो ट्रेड बनेगा, पहला आपका टारगेट होगा 22,277, दूसरा टारगेट होगा 22,400-500। ऊपर की तरफ ये ट्रेड बनेगा, नीचे की तरफ अगर 22,105 अगर नीचे की तरफ टूटता है तो अगला ट्रेड बनेगा 21,950 और फिर अगला ट्रेड बनेगा 21,800 के नियर अबाउट। यही है मार्केट की रेंज। ब्रॉडर रेंज क्या है मार्केट की, ब्रॉडर रेंज ये है, ब्रॉडर रेंज आपकी ये है
21,750, 21,750 ये आपकी ब्रॉडर रेंज है मार्केट की। अगर आप एक घंटे के चार्ट पे जाके देखेंगे तो ब्रॉडर रेंज आपकी यही निकलेगी। एक रेंज ये 21,700 या 750 के आसपास की, दूसरी रेंज ये आपकी 21,755। एक बात ध्यान रखिएगा, एक घंटे का चार्ट है, एक बात एकदम दिमाग में ध्यान रखिएगा कि मार्केट तब तक प्रॉपर या पोजिशनल बाई नहीं है जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर आके एक कैंडल सस्टेन ना कर दे और दूसरी कैंडल इस कैंडल के हाई को निकाल ना दे। ये स्टार मार्क बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से निफ्टी के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है तो वो भी क्वेरी कर सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले डे चार्ट पे आइए, बैंक निफ्टी में भी डे चार्ट में आइए तो बैंक निफ्टी में अगर आप अब देखेंगे तो मार्केट में क्या बन रहा है। एक तो चीज ये बन गई 47,171 और ये आपकी 20 की मूविंग एवरेज हो गई, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे 47,484। ये आपके दो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ गए बैंक निफ्टी में। अब ये जोन जो प्ले करेगा ये भी डी जोन का, डेंस जोन का रोल अब प्ले करेगा। 47,171 से मोटा मोटा 47,200 पकड़ लो, 47,200 से 47,500, ये 300 पॉइंट का जो जोन होगा ये आपका डी जोन का रोल प्ले करेगा, डेंस जोन का रोल। अब आइए एक घंटे के चार्ट पे, एक घंटे के चार्ट पे क्या हो रहा है, एक घंटे के चार्ट पे मान्यवर ये हो रहा है यहां पर कि इसी जोन के बीच में आपका कल का सपोर्ट बन रहा है और इसी जोन के पास ही आपकी 200 की मूविंग एवरेज खड़ी है। कल आपने देखा होगा और कल आपने लाइव में भी ये चीज फील की होगी यहाँ पे। अब बैंक निफ्टी में भी वही है कि जब तक ये 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आके एक कैंडल क्लोज कर देती, क्योंकि यहां पर एक क्रॉसओवर भी हो रहा है 20 और 50 का, यहां पर आके एक कैंडल ऊपर आनी चाहिए और एक कैंडल को उसका हाई प्राइस ब्रेक होना चाहिए, तब ये हमारा पोजिशनल बाई में आ जाएगा बैंक निफ्टी, है ना। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे जाके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे में हमारा मोटा मोटा लेवल क्या बन सकता है जहां पर हम अपने ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। ये लाइन बहुत पहले की खींची हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पिछला वाला ऑल टाइम हाई है, ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम कर सकता है यहां पर। अब आइए 15 मिनट के चार्ट पे, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे। अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे आके देखोगे तो जाहिर सी बात है जब तक मार्केट देखिए 15 मिनट पर आने के बाद आपके लेवल में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। ये जोन अगर आप मिला के देख लो तो ये पूरा जोन डेंस जोन है बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी इस जोन में आके ट्रेड करती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये नो ट्रेड जोन है, पहली बात तो ये। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। नीचे की तरफ जाने की कोशिश तभी करेंगे जब 43,300 का लेवल नीचे की तरफ टूटेगा, फिर जाएंगे 47,300 का लेवल टूटेगा नीचे की तरफ और जाएंगे 47,000 की तरफ, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पहली बात तो ये, आई डोंट थिंक हम 47,000 के नीचे अभी हम लोगों को जाना चाहिए क्योंकि यहां पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा काफी अच्छा बना हुआ। अगर टूटे आता है तो फिर 46,600 का लेवल खुलेगा 3-400 पॉइंट के लिए। लेकिन बायस क्या है, बायस ये कि मार्केट ने जिस तरीके से होल्ड दिखाया है, और अगर कल मार्केट यहाँ पे मतलब फ्लैट ही ओपन होता है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ट्रेड कहाँ पे लेने की। अगर मार्केट 47,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 47,800, दूसरा टारगेट होगा आपका 48,000 का दूसरा टारगेट होगा, तीसरा टारगेट ये वाला जोन हम लोग पकड़ के चल सकते हैं 48,600
48,600। ये था बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा ये ओपन इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ऐसा कुछ देखने के लिए है नहीं, लेकिन एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाके देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। तो निफ्टी में अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, तो कॉल साइड में आपका जो चल रहा है 1,26,000, 1,21,000, 1,42,000, 22,400, 22,500 तक आपका यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट कम है, मेन ओपन इंटरेस्ट है आपका 22,000 के लेवल पे। आप यहाँ पे देखो यहाँ पे 1,27,000, बाकी जगह पे अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी तुलना में यहाँ पर कम है। जाहिर सी बात है पीसीआर आपका डाउन है ना। तो मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो निगेटिव ही बना हुआ है, मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो निगेटिव ही है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में जाके देखने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। बैंक निफ्टी में अगर जाइएगा तो अगर 3,12,000, 1,26,000, 1,06,000, 1,64,000, ये हो गया आपके चार स्ट्राइक प्राइस का। अब इसके ऊपर देखिए 2,52,432, यहाँ पे लगभग लगभग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बराबरी का दांव लगा हुआ है। आप इतना पूरा पकड़ लो और इतना पूरा पकड़ लो, यहाँ पर डेटा फ्लैट है। फ्लैट टू निगेटिव ही मान के चलिए कि मार्केट अभी सेंटिमेंट से चल रहा है, मार्केट अभी आपका टेक्निकल से नहीं चल रहा है। तो सेंटिमेंट जो है आपका वो आपका हल्का सा निगेटिव है। कल देख लेते हैं कि क्या मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। डाउ जोन्स देखेंगे, डाउ जोन्स थोड़ा सा जाके देखेंगे अगर, तो डाउ जोन्स में एक घंटे का जो अभी चार्ट देखेंगे तो मार्केट अपने एक सपोर्ट पे बैठा हुआ। अब डाउ जोन्स खुलेगा तो पता चलेगा किस तरीके से। हालांकि डाउ जोन्स में लास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आई है और कल ये थोड़ा साइडवेज रहा, परसों की गिरावट के बाद कल जो इसमें थोड़ा सा गैप अप लगा था इसमें इसने अपने आप को होल्ड कर लिया और 20 की मूविंग एवरेज के पास डाउ जोन्स गया हुआ है। तो कोई भी डेटा देख लीजिए, डाउ जोन्स देख लीजिए, कोई भी यूएस का डेटा उठा लीजिए, सारा सब कुछ एक ही जैसा है। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बैंकसेक्स सारे एक ही तरीके से चलते हैं, कोई कम मूव देता है कोई ज्यादा मूव देता है। अगर डे का डेटा देखेंगे आप डाउ जोन्स में, तो डे में आपका जो अभी चल रहा है ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट के उस पर चल रहा है। यार देखिए ये पूरा बोलिंजर बैंड ब्लास्ट के हिसाब से चल रहा है, लेकिन अगर आवरली चार्ट में ये 20 के ऊपर आके यहाँ पर आके अगर ये सस्टेन होके यहाँ पर सस्टेन होकर, मैं एक कैंडल यहाँ पे बनाता हूँ कि एक कैंडल 20 की मूविंग एवरेज आई और ऊपर की तरफ जाके सस्टेन होके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाते हैं, मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। अब आते हैं रशिया और आपका जो ईरान वाला युद्ध चल रहा है। देखिए एक बात समझिए कि मार्केट सेंटिमेंट्स में चल रहा है, कभी कोई रॉकेट छोड़ दे रहा है, कभी कोई रॉकेट छोड़ दे रहा है, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो 15-20 दिन के लिए आती हैं, फिर चली आती हैं, फिर मार्केट वहीं का वहीं पहुंच जाता है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको मार्केट में बने रहना चाहिए। अगर ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि मार्केट में अपने लेवल का इंतजार करें, लेवल्स बनने दें, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने चार्ट पर मार्क करके रखें और फिर उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो आशा करता हूं कि ये एनालिसिस आपको पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप के लिए आपके पास नंबर है 8588818434, वहां पर आके आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस में कल मैंने कुछ आपको चार्ट कुछ स्टॉक्स भेजे थे, उनके आप एनालिसिस करें और ना समझ में आए तो पूछे भी, जल्दी इस पर एक और आपको वीडियो मिलेगा। और न्यूज में दो चार चीजें हैं जो अभी थोड़ी सी स्क्रूटनाइज लेवल पे चल रही हैं, उनको भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।